विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है और फिर ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ में नया साल हमारी लाइफ में आने वाला है। इस वीडियो में ना मैं किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको नए साल की ढेर सारी विशेज और अपनी कुछ टिप्स दूंगी जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ। आई विश आप सब लोगों को वो सब मिल जाए जिसके आप सच में हकदार हैं, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, आप अपनी लाइफ में सारे गोल्स अचीव कर लें, आपको ढेर सारी खुशियां मिले, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिले और साथ ही साथ इस साल आप मेरी वीडियो को और भी ज़्यादा प्यार दें। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ। तो आप सब लोगों ने 2022 के लिए अपने गोल्स तो सेट कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक अपने गोल सेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके आप अपने गोल सेट कर लें, क्योंकि देखिए जब आपको पता होता है कि इस साल आपको ये गोल्स अचीव करनी है तो आपको पता है कि उन गोल्स के लिए मुझे कितना हार्डवर्क करना होगा। दूसरी बात, मान सकती हूँ कि कुछ लोगों के गोल्स इतने बड़े होते हैं कि वो एक साल में अचीव नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें स्टेप तो अभी से उठाना होगा ना, तभी तो हम जाके अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम आप जाके क्या करेंगे, अपने गोल्स को किसी भी डायरी या आपकी कॉपी या जो भी आप जर्नल रखते हैं उसमें जाके लिखेंगे, ताकि इस साल आपको पता हो कि आपको अपने ये गोल्स अचीव करने हैं। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा सपना था जो आपने सिर्फ इसलिए छोड़ रखा था कि ये लोग, ये समाज, ये दुनिया, ये सब एक्सेट्रा लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में ना, तो इस साल अपना वो सपना पूरा कर दीजिए। क्योंकि देखो लोगों का जो काम है ना वो तो कहना ही है, वो तो कहते ही रहेंगे, तो सबसे पहले आप अपने उन सपनों को पूरा करें। तीसरी चीज, इस साल आप अपने लिए टाइम निकालें, खुद से प्यार करें, खुद को बेहतर तरीके से जानें। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज की दुनिया इतनी भागदौड़ भरी है कि हमें जॉब भी करनी पड़ती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है, कुछ टाइम हमारा सोशल मीडिया पर चला जाता है, टीवी कुछ एक्सेट्रा वगैरह कामों में हम खर्च कर जाते हैं, लेकिन हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद को जानें, खुद की पसंद नापसंद के लिए समय निकालें। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि इस साल दिन का कुछ समय आप सिर्फ अपने आप को देंगे। और चौथी चीज, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी ना कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, और आपको अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाना है। एज अ डॉक्टर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप योगा करना स्टार्ट करें इस साल। अपने आप से आप एक प्रॉमिस और करें कि डेली आप कुछ समय योगा करेंगे, क्योंकि जो योगा होता है वो केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि आपको मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।